कहते हैं कि उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती, इन चेहरों पर भी उम्मीदों की बोझिल सी चमक है। भरोसा है, सालों का हौसला है, कि हो ना हो वक्त सदा एक सा नहीं रहता, कभी तो मुकद्दर बदलेगा। वैसे भी दुआओं में असर माना जाता है, यहां भी एक भरोसा, एक आस है, कभी कोई तो आएगा, कभी कोई तो वेदना को महसूस करेगा। ये आस पीढ़ी दर पीढ़ी कानपुर की बिल्हौर विधानसभा ने सालों से संजो रखी है। बिल्हौर के किस्से, कहानियां कही सुनी, देखी परखी बातें दर्द से कलेजा भर देती हैं। जहन में एक ही बात बार बार उठेगी, हर बार उठेगी, कि ये जीना भी कोई जीना है। राजनीति में एक जुमला कहा जाता है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी साझेदारी। लेकिन कानपुर की बिल्हौर विधानसभा का इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि इसने सियासत में भागीदारी तो खूब की, लेकिन बदले में विकास में भागीदारी इसे ना के बराबर मिली। और यही वजह है कि आज भी ये इलाका विकास की राह में बेहद पिछड़ा हुआ है। यहाँ के माननीयों ने जाति समीकरणों को साध कर सत्ता के शीर्ष तक पहुँचे, लेकिन विकास को कभी तवज्जो नहीं दी। एक बार फिर चुनाव की शुरुआत के साथ ही यहाँ नेताओं ने जाति समीकरणों को साधने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन इस इलाके की तस्वीर क्या होगी, दिखाएंगे अपनी इस खास पेशकश में। साठ साल हो गए कानपुर नगर की बिल्हौर विधानसभा को बने, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि पिछले 60 सालों में यहां कुछ नहीं बदला। लोग आज भी सिसक रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव तक, एक गली से दूसरी गली तक, एक घर से दूसरे घर तक, सिर्फ बदहाली की कहानी है। सोचिए, देश आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन बिल्हौर विधानसभा के गांव आज भी अंधेरे में हैं। यहां बिजली नहीं है, कहीं कहीं सियासी वादों के खंभे गड़े हैं, लेकिन उन पर करंट नहीं दौड़ता। बिल्हौर के देवेनपुरवा और मकनपुर गांव में बड़े बड़े बैनर लगे हैं, बैनर विरोध के हैं। विरोध उन झूठे वादों का है जो इस गांव से किया गए। चुनाव की तिथियों का ऐलान होते ही जहां पूरी प्रशासनिक मशीनरी मतदान को बढ़ाने की कोशिशों में जुटी है, वहीं कानपुर की बिल्हौर विधानसभा की फिजाओं में इस समय विकास नहीं तो वोट नहीं के नारे गूंज रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं देवेनपुरवा गांव में। जरा देखिए, ये जो बैनर लगा हुआ है कि बिजली नहीं तो वोट नहीं, यानी कि इस गांव में हालात ये हैं कि 7 दशकों से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन आज तक यहाँ बिजली नहीं पहुंची। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, यहाँ पर बिजली के खंभे जरूर खड़े हो गए, जो यहाँ के हर एक बासिंदे का मुंह चढ़ाते हैं कि हमने यहाँ पर विकास को दस्तक दे दी है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर खंभे तो खड़े हो गए, लेकिन उन खंभों पे करंट आज तक नहीं छोड़ा। अम्मा, एक चीज ये बताओ, आप लोग वोट डालोगे इस बार? बिजली कब से नहीं है यहाँ? जिंदगी नहीं आई, आई नहीं जिंदगी में, कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। और क्या दिक्कत है गाँव में? बहुत मुसीबत, नाली इंसाफ नहीं है, लेटरिन नहीं है। आगे इधर, क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर? नालियाँ नहीं, लेटरिन नहीं है, और बिजली नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अम्मा ये बताओ, कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? हमारी तो 50 साल की। 50 साल से ऊपर हो गई? 50 साल की उम्र माँ, आज तक जो है यहाँ कुछ देखा, विकास देखा? कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। ये खंभा लागे, लाइट नहीं आई? नहीं आई, नहीं आई। नेता आवे थे? नेता तो आओ तो खाई खुद चले जाते। उनसे कभी कहा कि वोट देते हैं और यहाँ लाइट लाओ? कही तो आए, अबे मानन नहीं, नहीं मानते, नहीं मानते। इस बार वोट डालोगे? ये तो आदमी ने मरी को पिल्दल नहीं बंदी। इस बार वोट डालोगे? नहीं डालेंगे, नहीं डालोगे, नहीं डालेंगे।
इतने साल हो गया यहाँ पर, क्या कुछ समस्याएं नजर आती हैं? यहाँ सारी समस्याएं हैं। आज 65-70 साल हो गए आजादी काल, लेकिन हमारे लोगों का हाल तो गुलामी जैसे है। ऐसे तो इस समय गुलामी में भी लोग नहीं रहते थे जैसे हम लोग रह रहे हैं। मतलब इस प्रकार से नालियां बजबजा रही, कोई सफाई कर्मी नहीं है, कोई लेटरिन नहीं है गांव में, ना बनाने कोई प्रस्ताव आया है, बिजली खंभे गड़े, आज तक लाली पाप दे के नेता लोग चले जाते हैं। और हमको कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे गांव का विकास हो, कभी मतलब कोई विकास के लिए कोई काम नहीं किया, कोई काम हुआ ही नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पर सरकार की तमाम योजनाएं कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं हमने गांव गांव लाइट पहुंचा दी, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, तमाम विकास के काम कर रहे हैं, आपको लगता है सरकार की योजनाओं का फायदा यहाँ पहुंचा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई भी फायदा नहीं पहुंचा। हमारे गांव में न तो स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कोई लेटरिन का निर्माण हुआ, न ही नालियों का कभी शुद्धिकरण हुआ, बिजली का तो नामो निशाने नहीं हुआ। 70 वर्षों के बाद तक यहाँ कोई भी हम लोगों को सहूलियत नहीं मिली। तो आपको लगता क्या वजह समझ में आती है कि मतलब आप लोग के गांव तक योजनाएं पहुंची नहीं? क्या जो लोग चुने गए वो आप उनके वोटर नहीं थे, वो वजह थी, या फिर उन्हें विकास को कभी तवज्जो नहीं दी? विकास को कभी तवज्जो नहीं दी, वोट तो हम देते, पार्टी सबके साथ होते, कोई सपा हुई कोई बसपा हुई जो भी होता जिसको पार्टी अपना वोट डालते, लेकिन हमारे गांव किसी ने कुछ किया नहीं। कुछ सांसद विधायक मंत्री यहां पर कोई जो है कुछ नहीं करता? दादा आप बताओ, सांसद विधायक मंत्री कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते, कोई काम उन्होंने आज तक किया ही नहीं, कोई काम, चाहे जिस पार्टी का नेता हुआ हो, उन्हें वोट लेने के बाद यहाँ उसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया, कोई चेहरा नहीं दिखाया, कभी भी नहीं चेहरा दिखाया। आप लोग वोट डालोगे? नहीं सर, वोट नहीं डालेंगे जब तक आप बिजली और यहाँ की नालियाँ समाधान नहीं होगा, हम वोट बिल्कुल नहीं डालेंगे। आपको लगता है इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? हाँ होगा, अगर हम वोट नहीं डालेंगे इसका भी, इस पे प्रशासन बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा जाके, और हम किसी भी कीमत वोट नहीं डालेंगे। तो जब उन विधायक हो जाए तो कोई ये नहीं होता ही नहीं, प्रधान वोट ले ले अपने घरे बैठी, ना प्रधान करता है कुछ, ना विधायक कुछ करता, ना सांसद कुछ करता है, नहीं करते हैं। चेहरे देखे इन लोगों के सबके? ना ये तो मान लो ये जो ना अरुणा कोरी रही, जो उन दिन वोट मांगा ना ही वही दिन वोट मांग ले गई, आज तक उन्हें शक्ल नहीं दिखाई। हमारे ये एनजीओ वाला है, ये वोट जो उन दिन ले गई घंटा देवी चढ़ाई गई, आज तक शक्ल नहीं साहब। ये बॉर्डर में आपके जो है मुख्यमंत्री की पत्नी सांसद है, यहाँ से बिल्कुल लगा हुआ यहीं से इलाका है, ठीक है, मतलब बीआईपी क्षेत्र से लगा हुआ है, उसके बाद भी कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं। तो वोट डालोगे? वोट किसके दे दे साहब, किसे दे दे? फिर कोई वादा करेगा फिर मान जाओगे? नहीं मान कहीं दे, बैनर लगवा दिए भाग जाओ पीछे, मतलब गांव के अंदर नहीं घुसे? ना गाँव में नहीं घुसन दिए। साल 1957 से लेकर अब तक बिल्हौर सीट पर बीजेपी कांग्रेस एसपी समेत सभी दिग्गज पार्टियां काबिज रहीं। हर बार नए वादों पर भरोसा कर लोगों ने वोट दिया, भरोसा बदलाव के साथ विकास का था, लेकिन कुछ नहीं बदला। बिल्हौर में आज भी सड़क बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का बांधा है, लोग परेशान हैं, बेबस हैं, करे भी तो क्या करें, कैसे हालात बदलेंगे, कौन बदलेगा, ये सवाल बिल्हौर को खासे परेशान करते हैं। एमएलए एमपी ये सब जो है यहाँ धन जो है न लगा करके, जनता के बीच में रोड न बनवा करके, पानी की सारी व्यवस्थाएं न करके, और खुद अपने विकास में लगे रहे, अपने विकास किसी प्रकार के विकास नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी जरूरत थी एक महिला महाविद्यालय की, जो आज तक इतने नेता है लाली पाप देते रहे, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, केवल अपना विकास हुआ, सब नेताओं का विकास हुआ है। भाई साहब स्थिति बिल्कुल बदलेगी, यहाँ पर हम लोग जो है तम्बाकू की फसल होती है, गोभी भी होती है, गेहूं भी होती है, आलू भी होती है, पर हमारा लोगों का किसानी क्षेत्र है और यहाँ पे उतना अच्छा मूल किसानों को मिल नहीं पाता है। हम लोग भैया छोटे मोटे दुकानदार बिजनेसमैन है, हमारे लोगों का जो बिजनेस है वो आलू पे ही डिपेंड है,
इसलिए हम लोग बिजनेस में घाटे में जा रहे हैं। पहले नेतागिरी करते हैं, जब काम समझ जाता है व्यापारी बन जाते हैं, उनके काम बड़े बड़े गेस्ट हाउस बन जाते हैं, खेती खरीदते हैं, कहीं वो भट्टा खरीद लेते हैं, कहीं मार्केटें खरीद लेते हैं, बड़े आदमी बन जाते हैं, जनता के काम खत्म हो जाता है। फिर उनसे मिलने के लिए हमको आवेदन करना पड़ता है किसी को। सब नेता अपने मतलब रहते हैं, अपने मतलब से आते हैं, अपने मतलब से रहते हैं, और किसी जनता से तो मिलते नहीं है। कि एक बार आ जाए, दो बार आ जाए, तीन बार, साल में एक बार आ जाए तो ठीक है। क्या क्या समस्या देखते हो यहाँ पर? सारी समस्याएं ही समस्याएं हैं यहाँ। क्या दिखता है आपको? आपको क्या दिखता है? कुछ दिखता है आपको? कुछ नहीं दिखता होगा, बहुत पीछे है सब तमिल लोग। बिल्हौर की धरती सोना उगलती है, फिर भी यहाँ घर घर में क्यों बदहाली है? क्यों मेहनत मिट्टी की कीमत पर दुकानों पर बिकने को मजबूर है? किसकी बदौलत मजबूर है, सब बताएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर बिल्हौर का गुनहगार कौन है।